का बी का फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं आज। फिफ्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट प्लस रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू टू दे रखा है आपसे पूछा है, और ये बोला है कि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, यानी चारों क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है थीटा की वैल्यू, पूछी है आपसे कि क्या क्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, बड़ा आसान सा तरीका है, और वो उसके लिए मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताऊंगा और आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन थीटा जो होता है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट, और यहाँ पे सेक और कॉस, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और इसको हम लिखते हैं पाई बाय टू माइनस थीटा। अभी मैं खाली प्लस वालों की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको फॉर्मूले में सॉल्व करने की उसी की ज़रूरत है। तो अब सिर्फ मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करूँगा, बाकी किसी का यूज़ नहीं करूँगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का ही मैं यूज़ करूँगा, बाकी किसी का नहीं करूँगा। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो टू जो है ना इसको इधर लेके चले जाता हूँ, रूट थ्री कॉस थीटा को इधर लेके चले जाता हूँ। तो साइन थीटा वो प्लस का टू है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये बन गया रूट थ्री माइनस का कॉस थीटा, सही है। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर मैं करूँगा तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस टू का होल स्क्वायर माइ इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसको ना ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देता हूँ, मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर होता है चार, माइनस टू इंटू साइन थीटा ए, यानी बी की वैल्यू आ गई टू, और रूट थ्री कॉस थीटा का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो रूट का करते हैं तो थ्री आ जाता है, माइनस स्क्वायर में जो होता है वो प्लस हो जाता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हुआ क्या, ये इसकी वैल्यू टोटल हो गई फोर, टू टू ज़ा फोर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर माइनस फोर साइन थीटा। अब ये जो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा है ना इसको इधर लेकर आ जाता है, माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। एक फॉर्मूला और यूज़ करेंगे हम, जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैं लगाऊंगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा भी लिखा हुआ था, प्लस फोर माइनस फोर साइन थीटा माइनस थ्री वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आप स्क्वायर वाले ना एक साइड में कर लूँगा मैं, तो ये मिला साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा, इसको भी हम अंदर वाला खोल लेते हैं, तो माइनस थ्री प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो प्लस का फोर था इसको मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया, ठीक है। तीन साइन थीटा ये है, एक साइन थीटा ये है, टोटल मिला के हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा, और माइनस थ्री ये है, प्लस का फोर ये है, तो टोटल मिला के मिला प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। दोबारा से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है तो इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है इसकी पावर टू वन और जीरो इस तरीके से फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा तो हम इसकी बात करते हैं। तो साइन थीटा जैसे ही हमने एक्स कंसिडर करा तो ये वाली इक्वेशन ये बन गई फोर एक्स स्क्वायर, फिर क्या था माइनस फोर साइन थीटा, तो माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन बड़ी छोटी सी दिख रही है हमारे को, और इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है कंपैरेटिवली जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसके। तो अगर हम बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, इससे सॉल्व करेंगे। ये जो पहला वाला होता है इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पे फोर है इंटू सी, सी की जगह पे जो है वो वन है, ठीक है, अपॉन टू ए, तो टू इंटू फोर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस का फोर, प्लस माइनस फोर का स्क्वायर हो जाता है सिक्सटीन, माइनस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन इंटू वन, तो सिक्सटीन ही हो गया, अपॉन टू फोर ज़ा एट। क्या मिला, तो ये मिला एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस अंडर रूट में जीरो मिल गया अपॉन एट, जीरो का रूट जीरो ही होता है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो फोर अपॉन एट मिला आपको एक्स की वैल्यू, काटो वन
और 4 2 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 आया, लेकिन x था क्या, x था साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया है आपका। लेकिन आपका काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो थीटा आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन थीटा, एक होता है पहले में, एक होता है बिल्कुल सही सेकंड में, सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो पहले वाले को तो हम 0 से 90 की डिग्री की टेबल में देख लेते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है उसको पाई माइनस थीटा करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको रब कर देता हूँ जितना भी है, ये रब मैंने रब कर दिया। अब बस मैंने ये छोड़ा है साइन थीटा की वैल्यू, याद रखना 1/2 आ रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1/2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो साइन थीटा 1/2 सबसे पहले 0 से 90 की डिग्री की वैल्यू में होता है 30 डिग्री में। 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 6 में, साइन थीटा जो होता है 1/2 होता है। फिर कहाँ पे होता है पॉजिटिव का 1/2, मतलब 1/2 तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन पॉजिटिव का एक सिर्फ यहाँ पे होता है जो हमने लिख दिया पाई बाय 6, और एक यहाँ पे होता है, इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाय 6 लिख दो। ठीक है, तो क्या मिला साइन पाई बाय 6 या साइन, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये मिलेगा कितना, साइन पाई बाय 6 और साइन 5 पाई बाय 6। जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये साइन थीटा की दो वैल्यू आई हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, यानी कंपेयर करने पे ये वाली और 5 पाई बाय 6। तो ये दो इसके आंसर होंगे और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप अपने भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो IIT के हों, क्लास 10th के हों, 12th के हों, या किसी भी क्लास के हों। तो आपको करना बस इतना है कि फेसबुक पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नेक्स्टान, वहाँ पे एक पेज मिलेगा आपको, और आपको उस पेज पे मेरे को जो है मैसेज करके आपको अपना क्वेश्चन मेरे को दे देना है। आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।